हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन माय चैनल शुक्रिया फॉर एवरीथिंग। तो बहुत दिनों के बाद आज मैंने लॉन्ग वीडियो लेकर आई है सिर्फ बच्चों के लिए, खास करके संडे स्पेशल वेज लॉलीपॉप जिसे हम कहेंगे। और अगर यूनिक नाम आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो लॉलीपॉप, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्विक बन जाते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना, उसके लिए रेसिपी आपको एंड तक ज़रूर देखनी पड़ेगी, बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने लेकर आई है। तो सबसे पहले बॉयल आलूओं को अच्छे से हम मैश करके लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे ना, तो हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया और टमाटर। इन सबको फाइन चॉप करके लेना है। करी पत्ता चाहे तो आप ऐसे भी सबत ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे फाइन चॉप करके भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन स्किप बिल्कुल मत करें, करी पत्ते का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि स्वाद के अनुसार नमक जाएगा सबसे पहले, उसके बाद एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा सा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और ज़्यादा तीखा मत करिएगा वरना बच्चे नहीं खाएंगे। ज़ीरा पाउडर एक चुटकी। और इन सबको जो है ना, हाथों से अच्छे से हमें मिक्स करके लेना है। ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था हम सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आइसक्रीम की कैड़ी ले लेंगे इस तरह से, और इन काड़ियों के ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर आपके पास ये स्लाइस वाला चीज़ नहीं है, मोंजरेला चीज़ है, तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से चीज़ अप्लाई करने के बाद हम पोटैटो का जो बैटर हमने बनाया था वो ऐड करेंगे इस तरह से, और इसे हम दे देंगे लॉलीपॉप का शेप। बिल्कुल छोटा सा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, वरना बच्चे देखकर ही हैरान हो जाएंगे कि ये लॉलीपॉप है या चिकन का लॉलीपॉप दिया है मम्मा ने हमें उल्लू बनाकर। तो इसलिए हमें पोटैटो का लॉलीपॉप उन्हें दिखना चाहिए, इसलिए छोटा सा, प्यारा सा और खूबसूरत सा हमें लॉलीपॉप का शेप देना है, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से हम सारे लॉलीपॉप के कैंडी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा लॉलीपॉप। तो ये देखिए, हमारे सारे लॉलीपॉप जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इसे फिलिंग करने का तरीका, यानी कोट करने का तरीका। फिल तो हमने कर लिया है, अब हम देखेंगे कोटिंग का तरीका। तो उसके लिए अंडा लेंगे एक फेंट कर, जिसमें हमने सिर्फ नमक ऐड किया था, और ये सेव लेनी है जो हम शीरखुरमे में ऐड करते हैं। उसके बाद एक लॉलीपॉप लेकर हम अंडे के अंदर डिप करेंगे, कुछ इस तरह से अच्छे से रोल करके लेना है, और सेम प्रोसेस में हम इसे सेव में भी लपेट लेंगे। ये देखिएगा, अगर सेव अच्छे से नहीं लग रही है, लग पा रही है, तो हम हाथों से इसके ऊपर इस तरह से बारिश लगा देंगे और हल्के हाथों से जो है ना इसे प्रेस कर देंगे, ताकि हम जब इसे फ्राई करेंगे तो हमारी कोटिंग अच्छे से बनी रहे। तो दोबारा से हमें यही प्रोसेस करनी है, ताकि कोटिंग हमारी बढ़िया तरीके से हो जाए। तो ये देखिएगा, इसी तरह से मैं एक और आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से, इसी तरह से सारे लॉलीपॉप्स बनाकर रेडी कर लेंगे, और यहाँ पर हम फ्राई करने का तरीका देख लेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम करना है, और याद रहे तेल हमारा हमेशा जो है 80 डिग्री सेल्सियस पर ही गरम होना चाहिए। ज़्यादा हाई फ्लेम अगर आप रखेंगे तो आपकी कोटिंग जो है ना जल जाएंगी और अंदर से कच्चापन रह जाएगा, इसलिए बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करने हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसलिए ये देखिएगा, अच्छे से ब्राउन गोल्डन कलर आने तक हम इसे अल्टी पल्टी करते हुए फ्राई करेंगे, और गर्मा गर्म केचप के साथ बच्चों को एंजॉय करने के लिए दे देंगे। और अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आलू आपके पास उबले हुए होंगे, तो ये रेसिपी फटाफट से बनकर रेडी हो जाएंगी, और मेहमान भी खुश, आप भी खुश और सभी लोग खुश खुश। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना, बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल लगते हैं और बनती भी बहुत जल्दी है। इसलिए इसी तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह के सिंपल और क्विक रेसिपी देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी थी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।